गंगा स्नान करके ही ग्रहण करेंगे, तब भी अपना व्रत टूटेगा। फाइनली अब वापसी हो रही है। यहाँ से असीन वादियां दिख रही है बर्फ से ढकी हुई। तो वापसी में अब दिख रहे हैं नज़ारे जो हमने शाम को मिस किए थे, तो काफी खूबसूरत है। यहाँ से 7 किलोमीटर बचा है सोनप्रयाग, जहाँ से कि डाइवर्ट होता है गौरीकुंड केदारनाथ रास्ता, तो भी अभी आपको दिखाते हैं रात को आपको दिखाने का प्रॉपरली। और यहाँ पे ऐसे लगती है ABS ब्रेक की एकदम एमरजेंसी ब्रेक, क्योंकि आगे वाला ऐसे ही लगा रहा है। तो ये दिख रहा है नीचे सोनप्रयाग, जहाँ के पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी है, और जो सीजन टाइम में तो भाई वहाँ क्या ही बोल रहे। अब लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा मेरे केदारनाथ में, तो मार्डियालो आता है। सोनप्रयाग आपका गौरीकुंड और फिर वहीं से जाएगा केदारनाथ। बोले इधर है अपना केदारनाथ, सपनों का सफर। पहले वाली पार्किंग खुल होती थी, पीछे वाली सोनप्रयाग वाली, तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहीं पार्किंग करनी पड़ेगी सीतापुर में, सीतापुर टेन सोनप्रयाग। तो भाई लोगों अभी रोड के बहुत माड़े हाल है, बट जब तक यात्रा स्टार्ट होने तब तक ओके हो जाएगा, क्योंकि जोरों शोरों से काम चल रहा है इस पर, तो कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी हो रही है क्या ही बोले। कितना दूर है? ठीक है, थैंक यू। तो हम भाई घोटे के लिए पूछ रहे थे, लेकिन घोटा यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं आगे देखते हैं। बीच में बॉटल में भर के रखेंगे 2-3 बॉटल, फिर जब अपना फास्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद यूज कर सकते हैं। पहुंचने वाले श्रीनगर, क्योंकि सुबह से खाना कुछ नहीं खाया, तो भाई ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करा, बहुत भूख लग रही है। तो हरिद्वार जाके ही बर्फ तोड़ेंगे अब, तो वहां जाके तो हम बीच में कहीं रुक नहीं रहे, रुद्रप्रयाग आया बीच में, तो अभी देखते हैं वहां जाके रुकते हैं। पर अभी श्रीनगर आया तो अब निकलते हैं नॉनस्टॉप, ताकि टाइम से खाना खा सके। इनकी तो बैंड इस बंदे ने बहुत खाना खाया, सारा खाना खाया इस बंदे ने अकेले। ये तो भाई ये तो फास्ट वाले बंदे है भाई जी। भूख लग रही है किसी को? भूख लग रही है? की चीज का फास्ट रखा है? स्लो का की फास्ट का? खोलो यार भाई, मेरे को लगी बहुत भूख। लिया है कि हम भोजन गंगा स्नान करके ही ग्रहण करेंगे, तब भी अपना व्रत टूटेगा। बाकी देखते हैं अगर हो पाया तो, बट हो ही रहा है। जगह जगह में ढाबे दिख रहे भाई, और सिद्धि खाने पे नजर जा रही है।
ऊपर से नाक भाई मेरे को मास्क दो कोई ताकि खुश भी ना आए मेरे को। भाई बहुत भूख लग रहा है। और श्रीनगर का बाजार काफी बड़ा है, बाजार ही देखना कुछ और नहीं देखना भाई। छुट्टो छूट ले आना गाड़ी ताकि आशीष करो लॉक। अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग संगम, तो सुबह से कंटिन्यूसली चले हम, तो गाड़ी को रेस्ट नहीं मिला, तो सोचा कि 10-15 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हैं, तब तक हम नीचे से घूम के आ जाएंगे जहाँ पीछे घाट है और मंदिर भी है। तो जल्दी नीचे चलते हैं फिर आपको पीछे दिखाते हैं। हाँ गूगल पे था, मैं तभी लिया नहीं भाई। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे संगम घाट देव प्रयाग, तो यहाँ से चलना है हमें नीचे। तो ये आ रही है यहाँ से भागीरथी, जूते यहाँ उतारे पहाड़ी बाबा। और ये आ रही है अलकनंदा। सच में यार डिफरेंस बिल्कुल शांत है, लेकिन यहाँ बिल्कुल शोर भी नहीं है ना। और यहाँ देखो आप, तो काफी शोर, आपको मैं इधर से दिखाता हूँ, आपको बहुत तेजी से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखो काफी शोर है यहाँ तो भागीरथी का। और आगे चल के बन जाती है यहाँ से गंगा। यहाँ साथ में दो गुफाएं भी हैं, एक यहाँ है और एक गुफा यहाँ पे है। यहाँ पे मिल रही है दोनों नदियाँ और आगे जाके बन रही है गंगा। तो ये जगह काफी फेमस है और काफी पवित्र भी, दुनिया में सभी पवित्र जगहों में से सबसे पवित्र जगह है ये, जहाँ से गंगा नदी बनती है, जहाँ की सारे पाप कट जाते हैं। यहाँ ये गर्म है पानी, अभी तो पूरी टेम्परेचर वेरिएशन है। एक मैं शायद ऐसे तो बोल गया, मछली पकड़ता हूँ मैं, क्या हुआ मछली पकड़ रहा है बाद में। कांटे भी होते हैं इसमें? काटी नहीं मैंने तो मारी, वो होते मारी तो हमने, पर ये किसका लग रहा है ये ऊपर कर दो भैया, नहीं होगी बिल्ली। यहाँ गर्म पानी है, ठंडा पानी है। चाहिए क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, आगे हरिद्वार में रुकना था, पर मुझे लग नहीं रहा इस हिसाब से हरिद्वार में रुक भी पाएंगे, जो देखते हैं अब आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे हमने पहुँचा तो सोलन तक है, पर हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है जहाँ भी हम रुकते हैं। और ये तो जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। बाहर से नोटिफिकेशन आती है कि नदी का जल स्तर कभी बढ़ सकता है अब शाम को, तो भाई फर्म का बढ़ेगा। गाड़ी हमारी वहाँ ऊपर है, तो हम यहाँ से जाएंगे, गाड़ी वहाँ आ जाएगी, तो वहाँ से ऊपर फिर दन वहाँ निकलेंगे हम। आपको हाईवे पे तो हम पहुँच गए इस ब्रिज के पास। और यह है पूरा देव प्रयाग। मैं तो काफ़ी ऊपर आ गया था, लेकिन इनका कॉल आ गया
कि हरिद्वार लेट पहुंचने तो बर्थ जो है अपना फास्ट नहीं खोलता है, तो मैं वापिस जा रहा हूँ, भूख बहुत लग रही है, इसका नाम से मुझे खुशी आ गई, तो मैं वापिस चलता हूँ। देन बर्थ खोलता, मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम मेरा बर्थ था आज, फर्स्ट फास्ट था मेरा, तो कैसे खोलते हैं यहाँ प्रॉपरली तो नहीं हो पाएगा, पर जितना होगा हम करेंगे, और देन खाना खुना खा के फिर आगे निकलेंगे। तो जल्दी से चलता हूँ, बहुत भूख लग रही है। तो ये है ऊपर शिव मंदिर जहाँ हम फास्ट खोलने वाले हैं, वैसे भी हमारा छूट रहा था पर बढ़िया हुआ, कवर हो जाएगा बेबी। मैं से तीन बंदे कैंसिल हो गए, उन्होंने खा लिया था गाड़ी में, तो अब हम बचे चार जिन्होंने पूरा प्रॉपर ही निभाया है। ओ भाई बहुत सीढ़ी आ रहा, सुनिए भाई ऊपर सारी भूख तो। तो ये है मंदिर, परिक्रमा। जय हो नरसिंह देवता। संगम से भी चलता है आगे हरिद्वार, मुश्किल जाएंगे रास्ते जैसे। तू क्यों दर्शा रहा हमारे साथ? पर अब यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बस ढाबा ढूंढना पड़ेगा, देन खाना खाएंगे। यहाँ हम मंदिर गए थे, देन अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, फोटोग्राफी, तो वहाँ पे पानी देते हैं पंडित जी, बस उसी से ही बर्तन उठना ओपन हो गया छोटे नादी। तो अब ऊपर चलता है गाड़ी के पास, देन यहीं कहीं आगे ढाबा मिल जाएगा, देन खाना खा के फिर आराम चलेंगे, फिर तो रात भर आराम से, ट्रैफिक भी होता है, टाइम से हम पहुंच जाएंगे गाड़ी तक। मैं मेरे को ढाबे तक पहुंचा दो, उसके बाद कुछ मत करना तुम, उसके बाद शोरूम पहुंचाना यही आगे। नहीं मैं फिर बैठा जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस खाना खिला दो। तो बर्थ तो अब ढंग से खोलेंगे, बहुत भूख लगी है, तो भाई जल्दी से खाना खाओ, भूख के मारे बहुत मारा हाल हो रहा है।